हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट योगिता पाटिल, श्री समर्थ पेट शॉप एंड दुर्गा पेट से। आज जो हम टॉपिक या वीडियो जो बना रहे हैं वो स्ट्रे फीडिंग के, स्ट्रे फीडर है या फिर स्ट्रे डॉग के रिलेटेड है। ये आज कोई भी जैसे हम कोई स्ट्रे फीडिंग करा रहा है तो वो स्ट्रे फीडिंग में क्या क्या आप प्रोडक्ट मतलब उनको क्या खिला सकते हो वो है, उस रिलेटेड है। इसमें आप कोई है जो पार्ले जी बिस्किट खिलाता है, कोई मिल्क पिलाता है, कोई और प्रोडक्ट है जो शुगर कंटेंट जिसमें ज़्यादा है उसके वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद वो जो बिस्किट है उसमें मैदा होता है उसका इशू हो सकता है। उसके बाद शुगर है वो प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर कोई प्रोडक्ट है जिसमें नमक डाल के अगर खिला रहे तो उससे भी इशू, बिकॉज थायराइड का इशू आ सकता है। उनमें आयोडीन का प्रॉब्लम हो सकता है, उनको डायबिटीज़ हो सकता है, उनके हार्ट पर प्रॉब्लम आ सकता है, उनके किडनी पे प्रॉब्लम आ सकता है, लीवर पे प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये सब प्रोडक्ट आप देने से पहले या फिर चेक कर लीजिए कि वो प्रोडक्ट में कितना शुगर कंटेंट है या फिर कितना आयोडीन है, क्या है। कोई भी प्रोडक्ट आपने देने के लिए मना नहीं है, बट ये प्रोडक्ट ऐसे है क्या कि मैं उनको दे सकती हूँ। लोग बोलते हैं कि चल जाता है, नहीं चल जाता। पहला का टाइम अलग था, अभी का क्लाइमेट और टाइमिंग अलग है, तो ये सब प्रोडक्ट उनके लिए डाइजेस्टेबल या फिर क्लाइमेट सूट नहीं करेगा। स्किन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे, बीमारी बढ़ जाएगा। आप स्ट्रे में देखोगे तो बहुत ज़्यादा बल्की हो गए स्ट्रे डॉग, उनके स्किन प्रॉब्लम टाइम टू टाइम बढ़ रहे, कुछ ना कुछ इशू आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। उस पर काम कीजिए। स्ट्रे फीडिंग कराना बहुत अच्छी बात है, हम खुद भी स्ट्रे फीडिंग कराते हैं, बट हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट हैं जो फीडिंग का, वही स्ट्रे को भी खिलाते हैं, उनको डाइजेस्ट भी हो जाता है और उनका हेल्थ भी अच्छा रहता है। ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ